राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक प्रदेशाध्यक्ष दशरथ कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रांतीय पदाधिकारी कार्यसदस्यों के साथ प्रांत के विभिन्न शाखाओं के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदीप शर्मा ने अवगत कराया, मंडल में सीधी भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पश्चात प्रशासन द्वारा ढुलमुल नीति अपनाने, सिटी पार्क के निर्माण, चुनाव आयोग कार्य हेतु जनजाति विकास, समाज कल्याण विभाग आदि के लिए हजारों वर्ग मीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन, विकास कार्यों पर किए जा रहे अनाप शनाप व्यय, आईपीडी टावर के निर्माण के लिए नियमबद्ध राशि दी जाने, अनाधिकृत निजी बैंकों को करोड़ों रुपये के निवेश किए जाने, लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं होने और 17 सूत्रीय मांगों पर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लेने पर कर्मचारियों ने आक्रोश व्यक्त किया। बैठक उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा वर्तमान में चल रही मंडल की सभी परियोजनाओं में मंडल की ओर करोड़ों रुपये की हानि, करोड़ों विकास के अनाशक व्यय, प्रशासनिक खर्चों में विज्ञापन, टैक्स और अन्य खर्चों पर किए जा रहे अनाशना व्यय पर आक्रोश जताया। वही मंडल की करोड़ों रुपये की भी निश्चित आवंटन करने का भी आरोप लगाया। इसके लिए प्रांतीय अध्यक्ष को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। तुरंत प्रतिनिधि के प्रतिक्रिया से विचार विमर्श कर संघर्ष समिति का गठन करेंगे। बैठक में कार्यकारिणी अध्यक्ष भगवती प्रसाद, उपाध्यक्ष आरसी बुड़ानिया, उपाध्यक्ष अश्विनी लोहरा, सुभाष यादव, पंकज गर्ग, महामंत्री प्रदीप शर्मा, कोषाध्यक्ष मोहन सिंह, संयुक्त मंत्री गोविंद नटानी, रमेश चंद्र शर्मा, संगठन मंत्री रामदेव गुजर, खेल सचिव दारा सिंह, परमार सचिव उमेश देवड़ा, समय सचिव मांशु माथे से अन्य मौजूद रहे। गौरतलब इस दौरान कर्मचारी ने निर्णय लिया आवासन मंडल के हितों के विपरीत काम होगा तो कर्मचारी करोड़ों की नीति को दारू हो जाएंगे। कर्मचारी आवासन मंडल को बचाने के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन भी करेंगे।